श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में बैसाख में के महीने में व्यवस्थाओं को बदला गया है। यहाँ पर भगवान जागेश्वरनाथ के ऊपर 24 घंटे जल की धारा प्रभावित हो रही है। वहीं इसके साथ ही अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। वैशाख के महीने में परंपरा के अनुसार जिस तरह की व्यवस्थाएं जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में की जाती है, उस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं और भक्तों की सुविधा के लिहाज से भी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। शांतनु भारत की रिपोर्ट। जैसे ही अपन ने देखा कि वैशाख मास आ जाता है तो इसके लिए कई व्यवस्थाएं की जाती हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि महादेव जी मंदिर में भगवान शिव जी को 24 घंटे ठंडा जल चढ़ता है, उसके लिए 11 घट रखे जाते हैं मिट्टी के, ताकि ठंडा पानी बरमेश ठंडा जल उनके ऊपर चढ़ता रहे। तो पहला तो महादेव जी मंदिर में। दूसरा ये है, महादेव जी मंदिर में और अन्य मंदिरों में दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु हैं, वो जो आ रहे हैं, उनके लिए किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनको कष्ट ना हो, उनकी छाया के लिए अपन ने यथोक्त जहाँ आवश्यक है वहाँ पर छाया की व्यवस्था की है। तीसरा ये है कि जल की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। इस समय हमारे जिस गेट से भी आप आएंगे उस तरफ आपको ठंडे जल की मशीन मिलेगी और उसमें ठंडा जल है, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। बाहर भी नहाने धोने के लिए निगरानी रखी गई है कि कहीं टंकियों में पानी कम ना हो, इसकी सप्लाई 24 घंटे बराबर बनी रहे। इस प्रकार से बटे आरती में कुछ परिवर्तन किया है समय में? देखिए, अपने यहाँ आपको जैसे मालूम ही होगा, जानते ही हैं कि जैसे ही रंग पंचमी होती है, रंग पंचमी से श्रृंगार भी बदल जाता है और पहले ठंड होती है तो उस समय वस्त्र पहना जाते हैं और इस समय जो है ना गर्मी शुरू हो जाती है, तो रंग पंचमी से चंदन पुष्प का श्रृंगार शुरू होता है। समय में ही परिवर्तन हो जाता है। पहले 7 बजे आरती होती थी, इस समय 8 बजे आरती होने लगी है।